यहाँ पे लिटरली हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं google.com/images। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसके जो इमेजेस से देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ हिडन सेटिंग्स भी बताऊंगा। दोस्तों, आप गूगल में बहुत सारे चीज को सर्च करते हैं एक ही दिन में, और आपके जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज आपके गूगल में सर्च करते हैं, उनके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं आपको ऐसा एक चीज बताऊंगा जो कि आप शायद गूगल में कभी देखे भी नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मली सर्च करते हैं तो उस चीज को आप कभी देख भी नहीं पाएंगे। तो आज मैं उस हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, और आज मैं बताऊंगा कि 1980 में गूगल कैसे चलता था, और मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा कि ऐसे गूगल पहले चलता था। 1980 की बात कर रहा हूं, जो कि अभी तो शायद नहीं चलता होगा, अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे 1980 में आप गूगल चला सकते थे, और आप कैसे गूगल उसको अभी भी चला सकते हैं, उस चीज को आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको सिर्फ google.com ही सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी आप नॉर्मली सर्च करते हैं उसी टैब में आप आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल इन 1980। यानी कि हमको अभी देखना है 1980 में गूगल कैसे चलता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे आई एम फीलिंग लकी को। तो यहाँ पे मैं सर्च कर दिया हूँ आई एम फीलिंग लकी। तो देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो कैसा हो गया है। तो आप इसके साउंड इफेक्ट को भी सुन सकते हैं कि एक्चुअली 1980 में यहाँ पे गूगल कैसा काम करता था, और कैसे इसका जो प्रोसेसिंग है वो भी काम करता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि गूगल में सर्च करने के लिए एस डायल कीजिए, और यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी के लिए एल टाइप कीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर के सेक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता था। तो यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन भी देखने को मिल जाता था, जो कि ये वाला है जहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, और यहाँ पे इमेजेस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे लिटरली हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं google.com/images। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उसके जो इमेजेस से देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ हिडन सेटिंग्स भी बताऊंगा जो कि आपको गूगल के जो इमेजेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। एप्पल के भी जो कुछ हिडन फोटोज थे उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो देखते रहिए क्या होता है अभी। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अभी टाइप करता हूँ, जैसे कि डिजिटलाइजर यूनिवर्सल। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये सब कुछ अभी बंद हो गया है मई 2016 से। तो यहाँ पे ये दो ही सेक्शन अभी काम कर रहा है, जो कि एप्पल 22 और कमांडर 64। तो मैं अभी एप्पल को भी आपको दिखाने वाला हूँ वन लाइक करके। तो देख सकते हैं कि अभी सर्चिंग ले रहा है, सर्चिंग होने के बाद ये आपको रिजल्ट दिखा देगा इसके इमेजेस क्या क्या है। तो देखते रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमेजेस है वो आ गया है, लेकिन ये एनकोडिंग के हिसाब से है। आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है होम, व्यू फाइल, सी कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हमको ये फाइल देखना है तो आपको वन दबाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वन दबा देता हूँ। वन दबा दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक एप्पल का एक मॉनिटर दिखाई देता है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि ये जेपीजी फाइल आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो इमेजेस है वो आपके यहाँ पे सेव है columbia.education.edu में सेव है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट का भी ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ पे सी कॉन्टेक्स्ट में पहले सर्च करता हूँ, यानी कि टू में। आप देख सकते हैं कि जो एप्पल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो चिप का वो डिजाइन भी दिखाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पे अगर हम व्यू फाइल करेंगे तो यहाँ पे व्यू फाइल में आपको ये वाला जो इमेजेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको आपको इमेजेस आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता था 0, 1, 2, 3 के हिसाब से। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम अगर 3 टाइप करेंगे तो क्या होता है। देख सकते हैं कि और ज्यादा आपको इमेजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जो दिखता है वो इनकोडिंग टाइप का लग रहा है। और यहाँ पे इस फाइल को देखने के लिए आपको 1 दबाना पड़ेगा। मैं 1 दबा देता हूँ। देख सकते हैं कि और एक फोटो जो है वो आपको दिखाई दे देगा, जहाँ पे जिगजग लिखा हुआ है, और एक कंप्यूटर की स्क्रीन जो है यहाँ पे दिखाई देता है, और यहाँ पे कीबोर्ड भी है। आप देख सकते हैं, इसको जूम भी कर सकते हैं,
और जूम आउट भी। और यहाँ पे इसके जो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सी कॉन्टेक्स्ट यानी कि इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको टू दबाना पड़ेगा। टू दबा दिए तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस के लिए 4 दबाएंगे और नेक्स्ट के लिए हमको 3 दबाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर था पहले, यानी कि 1980 में ऐसा स्ट्रक्चर था गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था और अभी वो कैसा हो गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्लीज माइंड दैट गूगल सर्च एपीआई हैज बीन शट डाउन इन मई 2016। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इंटरफेस है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये जो था वो पहले से था, वो अभी इम्प्रूव्ड हो गया है, बहुत कुछ इम्प्रूव्ड हो गया है 1980 से लेके 2018 तक। यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी आप बहुत ही आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन को आसानी से पा सकते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ऐसा टाइप करना पड़ता था जैसे कि 1, 2, 3, 4, 0। देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसी ऑप्शन को ही आपको यूज करना पड़ता था, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी कोई भी इमेज को अगर आप सर्च करते हैं तो उसके वेबसाइट में चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे एप्पल लिख दिया। एप्पल लिखने के बाद मैं अभी जाऊंगा इसके इमेजेस सेक्शन में। इमेजेस सेक्शन में जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिल जाते हैं, प्रीव्यू आपको कितने सारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पहले जो था गूगल में, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, ग्रीन कलर का जो कुछ भी इनकोडिंग टाइप का है। और अभी का जो मैं अगर आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कोई भी इमेजेस में मैं अगर डबल टैप करूंगा तो उसी जो फोटो है उसका जो भी वेबसाइट में उसी फोटो को यूज किया गया है उसी वेबसाइट में मेरे को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये जो है मेरे को उसी वेबसाइट में जाके डाल देगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे टू दबाना पड़ता था पहले, जिसके बारे में आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे उस फोटो को देखने के लिए आपको 1 दबाना पड़ता था, जिससे कि आप कोई भी फोटो भी देख सकते हैं। मैं और ज्यादा से ज्यादा फोटो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक फोटो ये है जिसके कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो HHD00 क्या के कुछ लिखा हुआ है, जो कि पूरा पूरी एनकोडिंग है। और यहाँ पे उस फाइल को देखने के लिए मैं 1 दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला फोटो जो है वो, अब सोचिए कि यहाँ पे एक फोटो को देखने के लिए हमको 1, 2 दबाना पड़ता था। कोई भी फोटोज को हम प्रीव्यू नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अभी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है, हम उसको बड़ी आसानी से पहले देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं गूगल में पहले से, आप इसके प्रीव्यू लीजिए, उसके बाद डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कीजिए, या तो आप इसके जो भी साइट से ये आया है, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम आया है या फिर ये जो ये साइट से आया है apple.com से आया है, जो कुछ भी साइट से आया है walmart.com, यहाँ सबसे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट में स्टोर है उसी वेबसाइट में चले जाएंगे और जो ये इमेज फाइल वहाँ पे स्टोर ही होगा। तो ये सब कुछ था आज के इंटरफेस के बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आज का इंटरफेस ये है 2019 में। ये वाला आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है, 1 मिलियन सर्चेस पर मंथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इमेज का प्रीव्यू भी ले सकते हैं 2019 में, लेकिन 1980 में वैसा नहीं था। आपको इमेजेस सर्च करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता था। अभी मैं जाऊँगा सर्चेस में, आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं या फिर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि लोडिंग लेने के लिए कैसा हो रहा है। और यहाँ पे क्रेडिट्स पे आप देख सकते हैं कि नीचे ऐसा कुछ हो रहा है और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर्च करने के लिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे आई एम फीलिंग लकी जो लिखा है उसको हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, इसको एल सर्च करना पड़ता है। एल टाइप करेंगे तो ये डायरेक्टली आई एम फीलिंग लकी ही टाइप हो जाएगा, और गूगल सर्च करने के लिए एस टाइप हमको करना पड़ेगा। अभी हमको बोल रहा है कि एस सर्च करने के लिए, तो हम एस सर्च कर देते हैं, एस।
एस साइज कर देते हैं। हम अभी कोई भी चीज को अभी सर्च करेंगे, जैसे कि मैं अभी डिजिटलाइजर सर्च कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सब कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको तीन इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जो कि बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एक है, आपे लेके और कमांडो एक है। देखते हैं कि वन वाला क्या है। देखते हैं कि ये अभी लोडिंग ले रहा है, देखते हैं कि कहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स टेबल बन गया है, जहाँ पे कि आपको इसके जो एनसाइक्लोपीडिया के इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपकी ये जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देखते हैं कि कितने मतलब कि सिंपल सा वेबसाइट यहाँ पे बनाया गया था 1980 में, ऐसा इंटरफेस था। और यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पेज जाएंगे, हमको नेक्स्ट पेज जाने के लिए 1, 2, 3 ऐसा होता है, 1 या फिर 2 या फिर 3 क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको ए टाइप करना पड़ेगा। ए टाइप कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया, जितने सारे वेबसाइट हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइप करेंगे, ऑल टाइप करेंगे तो यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नीचे नीचे देखने को मिल जाता है। और मोर के लिए 1, 2, 3, 4 दिया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पहले 1980 में था, दिखता है कि कैसे बॉक्स टाइप करके टेबल टाइप का होता था। और यहाँ पे अगर हम उस टाइम में तो इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, अभी तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट बन गए हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था पहले, तो इसलिए इतना कॉमन यूज सब कर लेते थे। तो यहाँ पे और एक ए दबा देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिजिटलाइजर टॉपिक है उसके रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे डिजिटलाइजर सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इंटरनेट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3 करके 10 तक आपको देखने को मिल जाता है। सोच सकते हैं कि कितना सारा इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे आ गया है और बहुत सारा चीज़ चेंज भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जाने होंगे कि कैसे हम गूगल में 1980s का इंटरफेस आप देख सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ नया चीज आप कर सकते हैं इसमें। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे को यहाँ पे कार्ड में बताइए कि आपको कैसा लगा, यहाँ पे आपको किसी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा या फिर बुरा, यस या नो पे आप बोल दीजिए। कमेंट में भी मेरे को बताइए कि कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आपको, यस या फिर नो में मेरे को टाइप कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। To doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't.